आज के इस वीडियो में हम लोग जो टिश्यूज का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से हम लोग जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे। बीएससी पार्ट सेकंड के इस ग्रुप में आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और ये बॉटनी का सेकंड पेपर चल रहा है, एना प्लांट एनाटॉमी इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथनो बॉटनी, जिसके बारे में शुरू में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि शुरू के जो तीन वीडियोज हमने लगाए हैं ग्रुप पर वो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखे होंगे, समझे होंगे। और उसी क्रम में अब हम आगे चल रहे हैं। जो लास्ट वीडियो था हमारा उसमें हमने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में शुरुआत की थी। एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए अलग अलग जो थ्योरीज दी गई है उन थ्योरी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम जो सबसे ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पर हम पहले स्टेम की बात करेंगे फिर हम रूट की बात करेंगे। तो स्टेम के सेंस में सबसे शीर्ष के ऊपर जो सेल होती है उसको हम एपिकल सेल कहते हैं। नोड पर होती है उसको हम इंटरकैलरी कहते हैं, और साइड में होती है उसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ये पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज हम मुख्य रूप से जो एपिकल मेरिस्टेम है वहाँ पर अलग अलग प्लांट्स के अकॉर्डिंग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है उसके आधार पे जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी रिसर्च होती है, अनुसंधान होता है, उसके फेवर में अलग अलग वैज्ञानिक अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। और वो सबसे सर्वमान्य जो थ्योरी होती है, जो सर्वमान्य होती है और सब प्रकार के पौधों पे लागू हो, उस थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी प्लांट के ऊपर काम किया और मैंने जो बातें कही, मेरे बाद में आने वाला व्यक्ति या वैज्ञानिक उसी के बारे में कोई अनुसंधान करता है और उसको कोई नई जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से मेरे वाले जो थ्योरी है वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी, अस्वीकार कर दी जाएगी और नई थ्योरी है वहाँ पर आ जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो आपका सिलेबस है वो आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ पर जो रेड कलर में मैंने लिखा है वहाँ उस पर्टिकुलर टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं। मेरिस्टेम के बारे में सामान्य बातें हम लोग कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए जो थ्योरीज दी गई है, जो सिद्धांत दिए गए हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर कितने सेल्स होती है उसके बारे में आज का ये हमारा टॉपिक है। ये निश्चित रूप से आपके सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं तो इन सब बातों के बारे में हम लोगों को निश्चित रूप से जानकारी है वो होना जरूरी है, अति आवश्यक है कि किस प्रकार से प्लांट के अंदर लगातार विभाजन की प्रक्रिया चलती है और प्लांट है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये है आज का टॉपिक हमारा, एपिकल मेरिस्टेम से संबंधित जो सिद्धांत है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एपिकल मेरिस्टेम जो सबसे ऊपर की तरफ होता है और ये प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा बना हुआ होता है। प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियोनल स्टेज से ही विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है तभी से ये एपिकल मेरिस्टेम है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। और इसमें विभाजन होकर लगातार प्लांट है वो लंबाई में बढ़ता है, हाइट में बढ़ता है, इसलिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट होता है। और यही चीज़ है वो यहाँ पर लिखी हुई है और ये बिल्कुल शीर्ष या एपिकल पर पाए जाते हैं। और एम्ब्रियो के अंदर जब विभाजन होकर जो सेल्स बनकर हमारे सामने आती है इसके मुख्य दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं रेडिकल और एक को हम कहते हैं प्लूमूल। जो रेडिकल होता है हिंदी में जिसको कि हम मूलांकुर के नाम से जानते हैं, आगे ये और विभाजन कर कर रूट का निर्माण करता है। और जो प्लूमूल है जिसको कि हम हिंदी में प्रांकुर के नाम से जानते हैं, इसमें विभाजन होकर यह शूट का निर्माण करता है और शूट के ऊपर स्टेम और लीफ यानी पत्तियां पाई जाती है और पूरे जीवन पर्यंत इसमें विभाजन करने की जो प्रवृत्ति है या क्षमता है या जो कैपेसिटी है वो पाई जाती है। और तभी प्लांट लगातार निरंतर ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ता रहता है। तो ये था होगा आज का हमारा टॉपिक।
जो बात अभी मैंने आपको बताई थी वही यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्ल्यूमूल है वो शूट का निर्माण करता है। तो शूट के ऊपर सबसे ऊपर जो एपिकल मेरिस्टेम है उसको हम शूट एपेक्स के नाम से जानेंगे, और रूट के एपेक्स के ऊपर जो एपिकल सेल्स होगी उसको हम रूट एपेक्स के नाम से जानेंगे। और दोनों के ही ये शीर्ष के ऊपर पाए जाते हैं, सबसे ऊपर वाले या रूट का सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। रूट नीचे की तरफ बढ़ती है, शूट ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो रूट होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और जो शूट होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है, रूट गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जाती है। तो दोनों के दो अलग अलग नाम है, एक शूट एपेक्स हुआ दूसरा रूट एपेक्स हुआ। यहाँ पर फिलहाल इस टॉपिक के अंदर हम लोग शूट एपेक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि प्ल्यूमूल ने बनाया है, और ये चीज़ आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम के अंदर जो शूट के बारे में जो बात अभी हम लोग को कर रहे थे, इस चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए कि आखिर यहाँ पर होता क्या है, किस प्रकार से इनमें विभाजन होता है और किस प्रकार से ये निरंतर विभाजन कर कर प्लांट की जो हाइट है या लंबाई है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो आज का जो टॉपिक, जैसा कि सिलेबस के अंदर मैंने मार्क करके आपको बताया है, इम्पोर्टेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन एपिकल मेरिस्टेम इन शूट, ये होगा हमारा टॉपिक। एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए अलग अलग समय पर तीन सिद्धांत हैं वो मुख्य रूप से प्रतिपादित किए गए। पहले का नाम है एपिकल सेल थ्योरी, दूसरे का नाम है हिस्टोजन थ्योरी, और तीसरे का नाम है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तीनों ही थ्योरीज अपने अपने समय में बहुत ही सर्वमान्य रही है, लेकिन हर चीज़ की जैसा कि हम जानते हैं मेरिट और डीमेरिट्स होती है, तो इनकी भी मेरिट और डीमेरिट्स रही है। उसी के आधार पर नई सिद्धांत है वो हमारे सामने आया, और पहले वाला सिद्धांत है उसको अस्वीकार कर दिया गया। तो तीनों सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि इन सिद्धांत के वैज्ञानिक कौन थे और उन्होंने क्या क्या बातें बतलाई, कौन सा सिद्धांत किस टाइप के प्लांट के लिए सही है, ये रहेगा हमारा मुख्य रूप से फोकस इस टॉपिक पर रहेगा। तो पहले वाली जो थ्योरी है जिसको हम नाम दे रहे हैं एपिकल सेल थ्योरी, इस थ्योरी को 1858 में नेगली नामक व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था। अब आपके जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है एपिकल सेल थ्योरी को देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो उसका आंसर है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उस वैज्ञानिक का नाम था नेगेली, जिसने 1858 में इस थ्योरी को प्रतिपादित किया। और उस व्यक्ति ने क्या बतलाया कि प्लांट के शीर्ष के ऊपर या एपिकल रीजन पर केवल केवल एक कोशिका होती है, और इस एक कोशिका में लगातार विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है, और लगातार विभाजन होकर एक नया प्लांट हाइट में या लंबाई में वो बढ़ता रहता है, और इस सेल को हम एपिकल सेल के नाम से जानते हैं। जो मुख्य बात नेगेली ने बतलाई कि केवल एक सेल होती है और उसमें विभाजन होता है, और विभाजन किस प्रकार से होता है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ पर ऊपर की तरफ जो एपिकल सेल है, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हो, मैंने लिख रखा है एपिकल सेल सबसे ऊपर की तरफ शीर्ष के तरफ, और इसमें विभाजन होकर बहुत सारी कोशिकाएं हैं वो नीचे की तरफ आती है, और प्लांट लगातार ऊपर की तरफ है वो बढ़ता चला जाता है। बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है, जहाँ तक मैं समझता हूँ किताबों के अंदर इतना सिंपल डायग्राम है वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। जो मेन बात इस डायग्राम के माध्यम से जो हम दिखाना चाहते हैं या बतलाना चाहते हैं वो आपके सामने है कि शीर्ष के ऊपर केवल केवल एपिकल सेल होती है, और यही एपिकल सेल है उसमें विभाजन होकर लगातार ऊपर की तरफ चलती रहती है। यहाँ पर भी वही बात बतलाई गई है कि केवल एक सेल होती है और इस एक कोशिका में तीन तरफ कटिंग अवस्थाएं होती है। कहने का मतलब ये है कि तीन दिशाओं में नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और बहुत सारी जो डॉटर सेल्स आ जाती है, पुत्री कोशिकाएं आ जाती है, वो प्लांट के अलग अलग भागों का निर्माण करती है, जैसे लीव्स है, ब्रांचेज है, और दूसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, उन सब का निर्माण केवल एक कोशिका में विभाजन होकर होता है। ये इस थ्योरी की मुख्य विशेषता है कि केवल एक सेल इन सारे पार्ट्स का निर्माण करती है, और
प्लांट है वो पूर्ण अपने शेप में आ जाता है, अपनी आकृति में आ जाता है। तो ये नेगेली ने बताई। और इस थ्योरी की जो दूसरी बात है वो ये है कि इस सेल में तीन तरफ से कटिंग अवस्थाएं होती है, तीन तरफ नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और ऊपर की तरफ है ये बढ़ती है। लेकिन इस थ्योरी को दूसरे वैज्ञानिकों ने जिन्होंने बाद में चलकर इसके बारे में रिसर्च के अनुसंधान किया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा, उनके लिए ये थ्योरी सही हो सकती है क्योंकि उन पौधों की जो लंबाई होती है वो छोटी होती है और एक कोशिका उतने बड़े साइज का पौधा है वो आराम से बना सकती है। लेकिन टेरिडोफाइट और मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, केवल एक एपिकल सेल है वो इसको बनाने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है क्योंकि एक सेल से इतना बड़ा प्लांट इतनी जल्दी और जिस तरह से विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उससे बन पाना है वो पॉसिबल या संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इस थ्योरी को दूसरी थ्योरी के द्वारा रिप्लेस किया गया और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो लोअर ग्रुप के प्लांट्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप इस स्लाइड के माध्यम से देख भी रहे हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायो के लिए ये ठीक हो सकती है और टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म के लिए बाद में दूसरी थ्योरी को प्रतिपादित किया जिसको थ्योरी का नाम दिया गया हिस्टोडन थ्योरी, जो हेंस्टिन नामक वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका टॉपिक है आज का, उस टॉपिक में मुख्य रूप से हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एपिकल सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा है। एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए जो तीन थ्योरीज प्रतिपादित की गई है उसमें पहली थ्योरी का बारे में आज हमने चर्चा की है और जिसका नाम है एपिकल सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी के माध्यम से मुख्य रूप से जो हम बतलाना चाहते हैं वो यही है कि एपिकल रीजन के ऊपर या शीर्ष के ऊपर केवल एक कोशिका पाई जाती है और उसको हम एपिकल सेल कहते हैं और उसी कोशिका में विभाजन होकर प्लांट के सभी भागों का निर्माण होता है। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि एक केवल सिंगल कोशिका ये कार्य करने में असक्षम होती है। हाँ, लोअर ग्रुप के प्लांट के लिए ये संभव हो सकता है लेकिन हायर ग्रुप के प्लांट के लिए ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और इसके स्थान पर जो नई थ्योरी हमारे सामने आई उस थ्योरी का नाम है हिस्टोजन थ्योरी, जिसके बारे में हम आगे चलकर इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।